डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास 7 लेक्चर 4 जो चैप्टर 2 के ऊपर बेस कर रहा है जो है वो रैशनल नंबर्स के ऊपर। रैशनल नंबर्स में हम बात करेंगे नंबर लाइन की। नंबर लाइन क्या है जी? नंबर लाइन ऑल द नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। अब नंबर लाइन मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, जीरो इन द सेंटर एंड राइट साइड पे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं और लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन करता हूं कि जी -2 वेयर इज -2 ऑन नंबर लाइन, तो हम यहाँ पे इजिली आपको देख सकते हैं कि -1 यहाँ पे, -2 हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, -2 इज रिप्रेजेंटेड ऑन दैट साइड ऑफ नंबर लाइन। स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड जो है वो है रैशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी रैशनल नंबर को लिखने के लिए हमारे पास उसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखना, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं, 6/8, 6/8 फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कहा जाए कि इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इसकी लोएस्ट फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि जिस टेबल पे दोनों जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या हो, कट हो रहे हो। जैसे 2 के टेबल में आता 3/4, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने के लिए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। अगर इसी ऐसी क्वेश्चन को अगर मैं करूं कि डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास रैशनल नंबर को इस किस्म का आ जाए 6/-8, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए दो रूल्स अप्लाई करेंगे। नंबर 1 इज डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, देन सेकेंड इज जो हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म में हम इसको लेके जाएंगे। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि अगर सेम टेबल्स में आ रहे हैं तो उसको हम कट करेंगे। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पहला रूल, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हमें इसे पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको वन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास -6/+8, ये पहले इसकी सॉल्व हो गया, ये पॉजिटिव हो गया डिनोमिनेटर इसका। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है। पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लिया, अब इसको -6/8 को जब लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, 2 3s are 6, 2 4s are 8, आंसर इज -3/4, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए, हमारे पास एक और एग्जांपल में चेक करते हैं, 16/-56। अब फिर इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास -56 आ गया। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद -1, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, यहां जाएगा -16/56। फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया हमने इसके ऊपर, किसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दिया। अब इसके हम लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे इसको -16/56 को। अब हम देखेंगे इसका ग्रेटर डिवाइजर कौन से हैं, किस टेबल में ये आते हैं दोनों। 8 के टेबल में अगर मैं इसे चेक करूं, इन दोनों को मैं अगर चेक करूं, ग्रेटेस्ट डिवाइजर जो इसका है एट टू 16, 8 7 56, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -2/7। 8 2 16, 8 7 56, -2/7, इसकी क्या आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्या, -2/7, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी या लोएस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई।
जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है कंपेयरिंग द रैशनल नंबर्स। कंपेयरिंग का मतलब है कि जी हम कंपेयर कर सकें कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है, कौन सा ग्रेटर कौन सा। अब ये हमारे पास एक रैशनल नंबर लिखे हुए हमारे पास 3/4 एंड -5/7। अब हमने इसको क्या करना है, बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू कौन सी है या लेसर वैल्यू कौन सी है। तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि दो रूल्स पहले अप्लाई करना पड़ेगा दोनों रैशनल नंबर्स के ऊपर, इस पे भी और इस पे भी। नंबर वन रूल इज हमने 3/-4 इसकी जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको पॉजिटिव करना है। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा -3/4। सेकेंड वैल्यू हमारे पास -5/7, ये फर्स्ट वैल्यू थी। सेकेंड वैल्यू को भी इसी तरह पॉजिटिव करने के लिए -5/-7 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/7। इन दोनों को हमने इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दिया। डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के बाद अब हमारे पास ये -3/4 एंड 5/7 हो गया। देखिए जैसे हमने कहा डिनोमिनेटर दोनों के नेगेटिव थे, मैंने इसको पहले स्टेप में पॉजिटिव किया। अब मुझे डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। 3/4 -3/4 एंड -5/7, अगर मैं 3/4 को इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो यह आ जाएगा -21/28 और 5/7 को उस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 20/28। अब ये देखिए दोनों के डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिए, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं लिखता हूं -21/28 एंड 20/28। अब आपको इजीली पहचान हो जाएगी इन दोनों रैशनल नंबर्स में से बिगर वैल्यू कौन सी है, -21 बिगर वैल्यू है या ग्रेटेस्ट वैल्यू है या 20 ग्रेटेस्ट वैल्यू है। अब हमारे पास साफ नजर आ रहा है कि 20/28 जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो हम इसको क्या करेंगे कि 3/-4 ये -5/7 जो है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने एक और एग्जांपल लिखी 1/2 एंड 4/7, दो रैशनल नंबर लिए। अब हमने फिर बताना है कि इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, कि बड़ी वैल्यू इसमें से कौन सी है। अगर आप इनके डिनोमिनेटर्स को देखें तो ये दोनों पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स हैं, इनको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं, इसको रैशनल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करने की, डिनोमिनेटर्स हमने सेम करने हैं। अब क्या करूं, 1/2 को मैं इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं फर्स्ट वैल्यू को, इसका आंसर आ जाएगा 7/14 और सेकंड को, सेकंड वैल्यू हमारे पास 4/7, इसको इस डिनोमिनेटर के साथ यानी 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं 8/14। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके देख लें कि 7/14 8/14, अब इन दोनों में से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, आपको पता चल रहा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू 8/14 है, ये वाली ग्रेटर वैल्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 4/7। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म और रैशनल नंबर की आपको कंपेयरिंग ग्रेटेस्ट नंबर और लेस देन नंबर का आपको समझ आ गई होगी। अब इसी के मुताबिक एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। ये होम टास्क आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है, अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है आपने।